जय श्री कृष्ण। औरतों का भी कितना अजीब होता है ना। एक सब्जी वाले की दुकान पर नींबू भी इतने गौर से देखकर खरीदती है कि उसमें अगर एक दाग होगा ना तो वो साइड में पटक देंगी। मोल भाव करते वक्त वो हर एक चीज़ की परख करना जानती हैं। दुकान से खरीदते समय कपड़ों को बड़े गौर से देखती हैं, उसका रंग, उसकी मैचिंग। मेरे पास ये कपड़ा पहले से है नहीं है, पड़ोसी के पास है, और ये वो पुरानी जो एक शादी के अंदर भाभी आई थी उनके पास थी ऐसी साड़ी। इतनी दूर की याददाश्त जिस औरत के अंदर होती है उसी औरत को ये कहा जाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर समझ ही नहीं है, तुम ऐसे मैटर्स में मत बोलो, इन मैटर्स में बोलना तुम्हारा बनता ही नहीं है, तुम्हें इन बातों की कोई समझ नहीं है तो तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी सोच तुम्हारे पास रखो। क्या औरत सच में इतनी बेवकूफ़ होती है? हाँ बिल्कुल होती है। वो बेवकूफ़ होती है तब जब बात आ जाती है उसके दिल की, जब बात आ जाती है जज्बातों की, जब बात आ जाती है उसकी फीलिंग्स की। अगर वो किसी से प्यार करती है ना तब उसकी ये परख साइड हो जाती है, तब उसकी बुराइयों से भी उसे प्यार होने लगता है। जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है ना तो वो कोई दाग धब्बे नहीं देखती, वो उसको दूर करने के लिए दिन रात प्रयास करती है। यही औरत जो हर एक चीज़ को बारीकी से देखकर बहुत दूर का याद करके भी उस चीज़ को अपने जीवन में शामिल करती है, वो उस व्यक्ति के साथ जब एक विवाह में या एक प्रेम में या एक संबंध में होती है ना तो उसकी सारी याददाश्त शून्य हो जाती है। ये औरत की बेवकूफ़ी नहीं है, ये औरत के अंदर की एक सच्चाई, पवित्रता, एक ऐसी भावना है जिसमें वो सामने वाले को अपना सर्वस्व दे देती है और खाली हो जाती है, और सही गलत अच्छा बुरा उसकी नज़र से देखना चालू कर देती है, और आदमी इसी बात का फ़ायदा उठाने लगता है और उसे ये लगता है कि औरत मूर्ख है, औरत के अंदर अक्ल नहीं है, औरत कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी समझदारी है ही नहीं। शायद कुछ लोग मेरी बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मैं हमेशा औरतों का पक्ष लेती हूँ। मैं औरतों का पक्ष नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ औरतों का साथ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि औरत जितनी शक्तिशाली, जितनी बलवान, जितनी अपने जीवन के अंदर कुछ भी कर गुजरने की शक्ति रखती है वही औरत कमज़ोर हो जाती है, वही औरत बिल्कुल शून्य हो जाती है जब बात उसके रिश्तों की आती है। तो चलिए आज आपके रिश्ते को एक नई ज़िंदगी देने का काम करते हैं और एक बार फिर इसी औरत को मजबूत बनाने के लिए एक प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात आपके जब रिश्ते की होती है तो हर रिश्ते को एक चीज़ चाहिए, और वो क्या? वो होता है विश्वास की डोर। और ये विश्वास की डोर कहाँ से आती है? प्यार से। हर रिश्ते को जब बांधने की बात आती है तो ये डोर से बंध जाता है, और ये डोर जो होती है वो अदृश्य होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी डोर बताने जा रही हूँ जो दृश्य है, जो दिखाई देगी और जो बांधने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम राखी पर जो एक धागा अपने भाई को बांधते हैं ना, वो जिंदगी भर का एक संकल्प होता है कि वो हमारी रक्षा करेगा। वही धागा जब किसी पंडित के द्वारा आपकी कलाई पे बांधा जाता है ना तो ये एक आशीर्वाद होता है ईश्वर का कि ये जीवन भर एक रक्षा की तरह आपके साथ रहेगा। इसीलिए इसे रक्षा का सूत्र यानी कि रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। यही एक धागा जब हम मन्नत मांगकर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाकर बांध आते हैं ना तो वो एक विश्वास की डोर होती है कि इस धागे से बंधकर हमारे ईश्वर हमारी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। बस
इसी एक डोर से आज आपको भी एक सरल सा उपाय कर लेना है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको गुरुवार के दिन एक पीला धागा हल्दी में डालकर, यानी कि हल्दी से आपको लगाकर अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि औरतें सीधे हाथ में धागा नहीं पहनती, लेकिन ये उपाय सीधे हाथ के धागे से ही होगा। तो आपको गुरुवार के दिन पीले रंग का धागा हल्दी से छुआकर या हल्दी में डालकर आपको अपने हाथ में पहन लेना है। अगर आपकी मैरिज लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और इसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि किसी और का आपके जीवन में प्रवेश है और इस वजह से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन एक लाल और एक पीले धागे को आपस में गूंथ लेना है और उसमें आपको 7 गांठ लगा देनी है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपको ये धागा अपने हस्बैंड के लेफ्ट हैंड पर बांध देना है। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि चीज़ें अब आपकी सुधरने पर आ ही नहीं रही हैं, कोई उम्मीद नहीं बची, कोई अब आपके लिए रिश्ता बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन माँ गौरी के मंदिर जाना चाहिए, माँ दुर्गा के मंदिर जाकर एक लाल रंग का धागा लेना है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद ये लाल धागे के अंदर 5 गांठ आपको लगा देनी है। और आपको गांठ लगाते वक्त माँ से प्रार्थना करनी है कि मेरा जीवन जो है, मेरा वैवाहिक जीवन जो है, उसे वापस से आप ठीक कर दीजिए, उसमें वापस से खुशियाँ भर दीजिए। 5 बार ये 5 मनोकामना बोलकर आपको गांठ बांध देनी है और अपने घर में आकर एक ऐसी फ़ोटो लेनी है जिसमें आप और आपके हस्बैंड साथ में हों, और आपको उसे एक लाल कपड़े पर रखकर इस धागे को उस फोटो के ऊपर बांध देना है और इस फोटो को अपने घर के नॉर्थ पोर्शन में रखना है। करके देखिएगा, इससे कोई ना कोई भगवती आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगी, आपके रिश्ते में टूटती हुई डोर बंधेगी ज़रूर और कोई ना कोई तरीका इसके लिए ज़रूर निकल आएगा। मनोकामना बहुत सारी होती हैं, मेरे पति बहुत खुश रहें, उनकी अच्छी नौकरी लगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर औरत की यही मनोकामना होती है। आपकी भी अगर कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बुधवार के दिन एक हरा और एक सफ़ेद रंग का धागा ले लीजिए, दोनों धागों को एक साथ कर लीजिए और उसमें ओम गम गणपते नमः बोलते हुए 11 गांठ लगा लीजिए। उस धागे को ले जाकर आप किसी पेड़ पर बांध दीजिए। ये पेड़ केवल और केवल वही होगा जो पूजनीय होते हैं, जैसे कि बरगद का, पीपल का, अशोक का, ऐसे ही पेड़ पर ले जाकर आपको इस धागे को बांध देना है। तुलसी के पौधे में ये नहीं बांधा जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। बांधने के पश्चात आप अपनी मनोकामना एक बार वापस से बोल दीजिएगा और अपने घर आ जाइएगा। घर आकर घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा, भोग लगाइएगा और गरीबों को भोजन ज़रूर खिलाइएगा। आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब गणपति जी के मंदिर में जाकर 11 ब्राह्मण या 11 गरीब लोगों को भोजन ज़रूर करा दीजिएगा। चलिए जी, ये तो हुआ औरतों के लिए। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन एक इन जनरल आदमी हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हर किसी की मनोकामना होती है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चाहिए अगर मनोकामना है तो आपको क्या करना है, गुप्त रूप से करना है, किसी को खबर मत होने देना, सिर्फ आपको पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हो। शनिवार के दिन एक काले रंग का धागा ले लेना। धागा आपके सिर से लेकर आपके पैर तक की लंबाई का होना चाहिए। इसके अंदर आप 21 गांठ लगा देंगे और उसके बाद इसे ले जाकर आप पीपल के पेड़ पर बांध आएंगे।
सात परिक्रमा लगाएंगे और वहीं खड़े होकर आप अपनी मनोकामना बोल कर आएंगे। जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी तब आप उसी पीपल के पेड़ पर जाकर पूजन करेंगे और वहां पर आप 21 दिए तेल के ज़रूर प्रज्वलित करेंगे और दिन शनिवार होगा। चलिए जी, ज़रूर करिएगा छोटा सा धागे का काम। आपके जीवन में इससे जो भी प्रभाव आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ उन्हें जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।